जबलपुर पुलिस ने एक नई पहल करते हुए पुलिस दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 10 दिवसीय उन्नयन कोर्स का शुभारंभ पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में गरिमामय माहौल में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल हुए। पुलिस कप्तान महेंद्र सिंह सिकरवार की पहल पर पुलिस को नई तकनीक में दक्ष करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों को कार्य करने में आसानी होगी। इस कोर्स के माध्यम से ऐसा कयास लगाया जा रहे हैं कि साइबर अपराध, मोबाइल चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। हमारे आरक्षक प्रधान आरक्षक स्तर के अधिकारी हैं, उनकी दक्षता को निखारने के लिए यहाँ पर आधुनिक जितने भी कानून हैं उनके बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा इनको ड्राइविंग और बाकी की भी कंप्यूटर, इनकी सारी ट्रेनिंग्स जो है यहाँ 10 दिन में हम लोग देने की कोशिश करेंगे और इनकी दक्षता को जो है उन्नयन करने का प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन की इस पहल से आरक्षकों को विवेचना में दक्षता लाने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इसके पहले भी पुलिस प्रशासन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से आरक्षकों को आपराधिक गतिविधियों पर जोर देने के लिए जागरूक किया गया है। गौर नीमखेड़ा TFRI ग्रीन ग्राउंड में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बेहद रोमांचकारी रहा। क्षेत्र के आकाश सोनकर और मिनी सोनकर द्वारा हर साल की तरह इस बार भी ब्रदर्स कप आयोजित किया गया था। लीग मैचों की इस श्रृंखला में फाइनल मुकाबले में एकता क्लब और कैंट लाइन की टीमें भिड़ी, जिसमें कैंट लाइन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। अगली बॉल लेके तैयार सबीर और हल्के हाथों से ढकेला, नतीजा 2 रन। अब तो मात्र औपचारिकता ही शेष। अगली बॉल लेके तैयार सबीर सामना करेंगे वसीम। हल्के हाथों से ढकेला बॉल को, फील्डर मूर्ति लगाते हैं कैंट लाइन का। और ये शानदार शॉट, 6 रन। आसानी से रोका जा सकता था ये छक्का, पर फील्डर उस्मान। बेहद रोमांचकारी इस मुकाबले में कैंट लाइन टॉस जीतने का भरपूर फायदा नहीं उठा पाई। कमजोर गेंदबाजी का एकता क्लब के बल्लेबाजों ने फायदा उठाया और निर्धारित ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। इसके बाद जवाबी पारी खेलने आई कैंट क्लब की टीम एकता क्लब की घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी। पूरी टीम 114 रन पर सिमट गई। मैच में बेहतर प्रदर्शन के लिए जिया खान को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। इसके अलावा विजेता टीम को समापन समारोह के मुख्य अतिथि मंडी अध्यक्ष राजा बाबू सोनकर ने विजेता टीम को 51,000 और उपविजेता टीम को 21,000 राशि भी प्रदान की गई। ब्रदर्स क्लब का जो आयोजन किया आकाश सोनकर, मिनी सोनकर द्वारा, साथ में उसकी पूरी टीम, मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की टीम में एकता क्लब से ये जीत की है मैच का, जिनको 51,000 का नकद पुरस्कार और एक कप रखा गया था वो उनको मिला है। मैं पूरी टीम को जो पूरा आयोजन किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। TFRI नीमखेड़ा क्रिकेट ग्राउंड में ब्रदर्स कप का आयोजन किया गया था, जिसका फाइनल मैच एकता क्लब के द्वारा जीता गया। निश्चित रूप से इस पूरी परिक्षेत्र की टीमों के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का ये मैदान एक बहुत अच्छा मंच है। इस मैदान से निकले हुए खिलाड़ियों ने राज्य स्तर के भी क्रिकेट खेले हैं। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस टूर्नामेंट का क्रिकेट प्रेमियों ने भरपूर लुत्फ उठाया। आयोजकों का मानना है कि ऐसी प्रतियोगिताएं जहां खेल भावना को बढ़ावा देती हैं, वहीं खिलाड़ियों के खेल में भी निखार आता है। इसमें जितना जो झटका हमको डिमोनेटाइजेशन पड़ा देश की इकोनॉमी को, कहते रहे कि भाई 1% के करीब इकोनॉमी की आर्थिक ग्रोथ कम हो जाएगी, वैसा कोई दूसरा झटका इस बजट में नहीं है। उन्होंने कोशिश ये की है कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चले और कोई दूसरी बड़ी चीज़ नहीं की जाए जिससे कि देश की इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो जाए। और रूरल सेक्टर में कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की है, इन्वेस्टमेंट रूरल सेक्टर में कुछ ज़्यादा पैसे
खर्च करने की सोच रहे हैं वो शायद इसलिए कि सबसे ज़्यादा डीमोनेटाइजेशन का गरीब लोगों को नुकसान हुआ था रूरल सेक्टर में, वो किसी तरीके से कॉम्पेंसेट हो जाए। बाकी पूरे देश में कोई परिवर्तन की लहर इस बजट की वजह से नहीं आने वाली। 60,000-70,000 करोड़ रुपए रोड्स के लिए खर्च होंगे तो होना ही चाहिए, इतने बड़े देश में जहाँ की रोड्स की कमी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना? रेल में अगर अपन इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आखिर? फिर है काहे के लिए, सरकार काहे के लिए है, है ना? देश काहे के लिए, शासन काहे के लिए है? ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी समर्थन करते हैं बजट का, सारा सब कुछ अच्छा है। कुछ कमियां हर किसी वजह आती है, इनको भी ध्यान देना चाहिए। युवा वर्ग भी है, वो भी अशिक्षित है, उनके भी रोजगार के विषय में सोचना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके इनकम के हिसाब से सोचना चाहिए। तो आगे भी मैं चाहूँगा इसी तरीके से अच्छा बजट आए। सेंट्रल बजट और साथ साथ रेलवे बजट जो वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये जो प्रस्तुत बजट है ये क्रांतिकारी बजट है और ऐतिहासिक बजट है। इसमें लगभग सभी लोगों का विशेष ध्यान दिया गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे औद्योगिक अधोसंरचना का प्रश्न हो, चाहे उद्योगों का प्रश्न हो, उसके साथ साथ युवाओं का, अनुसूचित जाति जनजाति का, अल्पसंख्यकों का, और उसके साथ साथ काले धन पर भी बहुत बड़ा प्रहार किया गया। और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो सर्विस होल्डर हैं, उनके लिए भी इनकम टैक्स में स्लैब में एकदम कमी कर दी गई है। जो 3 लाख तक तो फ्री कर दिया गया है सीधे सीधे, जो आय होती है, जो पिछले बार 2.5 लाख थी उसको 3 लाख किया गया है, और 3 लाख से 5 लाख पर जो 10% का स्लैब होता था उसको 5% कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो उससे विकास भी बहुत तेजी से होगा, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि काले धन पर चोट नहीं की जा रही है, तो उसमें चंदा भी 2,000 रुपये नगद जो है उतना ही ले सकते हैं, बाकी बॉन्ड्स में लेना पड़ेगा। बजट के सामने से स्पष्ट दिख रहा है कि तुमने इनकम टैक्स में जो छूट दी है वो इनकम टैक्स में यदि छूट देना थी तो जैसे आपने 2.5 लाख के 3 लाख के से जो कल 4 लाख तक की चर्चा चल रही थी, 5 लाख तक की आपके लोग चुनाव में बोल रहे थे, वो नहीं आ पाई। सर आपने क्या किया जो 10% को 5% छूट किए, तो आपने तो पैसा बढ़ाया उसकी ताकि आगे वाले लोगों को उसका बहुत ज्यादा लाभ ना मिल पाए। एक तो ये किसी को मान लो 7 लाख रुपये आय होनी है, अगर आप उसको छूट देते तो 5 पे आगे खड़ा हो जाता तो आपको टैक्स नहीं मिलता, तो आपने जानबूझ के ये किया। 2,000 तो ले आए सर अपने चंदे वगैरह सहयोग राशि को, और 3 लाख रुपए मात्र करना, वो भी कोई आज के युग में एक मकान आप जब लेते हैं तो 35 से 40 लाख 45 लाख का आता है, 3 लाख की छूट देना कोई विशेष नहीं, एक तरह का उठारा घात है। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर स्थित पुराने उद्योगों का विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है। उद्यानों में रेल्स के सहित हरी घास के लिए नई माटी व नाली निर्माण सहित बैठने का इंतजाम भी किया जा रहा है। इन उद्यानों के नए निर्माण होने से आम जनता को बैठने और एक स्वच्छ वातावरण रहित परिसर की सौगात मिल सकेगी। बरेला थाने की गौरचौकी में रेत भरा खड़ा यह ट्रैक्टर पुलिस ने उस वक्त पकड़ा जब क्षेत्र से चोरी छिपे इसे ले जाया जा रहा था। वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान जब वाहन चालक से दस्तावेज मांगे तो उसके पास मौजूद नहीं थे। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में पता चला कि यह वाहन नरेश यादव का है। पांडे साहब को अवगत कराया गया सूचना से, तब साहब के द्वारा बोला गया कि तत्काल जाओ बोले, तो पूरी टीम थाने से स्टाफ को लेकर बस स्टैंड बरेला से 2 गवाहों को लेकर, मनोज और संजू को लेकर वहाँ गए, तो लोहगरी गौर पुल के नीचे एक ट्रैक्टर अवैध खनन रेत भरकर ऊपर की ओर आ रहा था टेक में, जिसको घेराबंदी कर पकड़े। सरकार ने अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। अब देखना है कि सरकार के आदेश पर कितना अमल होता है। शहर में एक और लगातार लूट, हत्या और छेड़छाड़ की वारदातों का ग्राफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ शहर की पुलिस न केवल मीडिया के सवालों से बचने चुप्पी साधे हुए है बल्कि जनप्रतिनिधियों पर भी अपना मनमाना रवैया थोप रही है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद सत्ता में बैठी भाजपा के पदाधिकारियों का कहना है। असल में भाजपाइयों का यह रोना है कि खासकर पश्चिम विधानसभा के पार्टी पदाधिकारियों से गढ़ा थाना प्रभारी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और तो और दूसरे दलों के नेताओं के कहने पर बीजेपी नेताओं पर हो रहे अपराध के मामलों में भी लीपापोती कर रहे हैं। अपनी इसी शिकायत को लेकर
भाजपा नेताओं का प्रतिनिधि मंडल डीआईजी कार्यालय पहुंचा और गढ़ा थाना प्रभारी को पद से हटाए जाने की मांग की। हमारी एक महिला कार्यकर्ता बहुत सीनियर लीडर है पार्टी की, श्रीमती कुशवाहा, वो अपने घर पे नहीं थी, पति के साथ एक गमी के कार्यक्रम में गई थी। क्षेत्रीय कुछ आपराधिक तत्वों ने उनके घर में घुसकर उनकी जवान बेटियों के साथ मारपीट की, उनके साथ उनके वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। सीधा सीधा अपराध बन रहा था उनके रात्रि में घर में घुसकर मारपीट करने का, लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का। पीआई महोदय ने कतिपय राजनीतिक नेताओं के दबाव में आकर, हमारे जबलपुर शहर के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके दबाव में आकर, अन्य दलों के हैं, दबाव में आकर और कहा स्पष्ट रूप से कि फलाने फलाने नेता का पत्र आया था, मैं उनका नाम आज लेना नहीं चाहता, उनके दबाव में उन्होंने एक औपचारिक कार्रवाई की और वो महिला कल जब वापस लौट के आई परसों तो मेरे से मुलाकात ही पार्टी कार्यालय में आई, उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया। महिला बहुत परेशान थी, रो रही थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत आंदोलित था, इसलिए आज सारे कार्यकर्ता पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ता आज ही साहब की छुट्टी में आज माननीय डीआई साहब से मिलने आए थे, उन्होंने उनका शिकायती पत्र सौंपा है। मैं भोपाल में थी और मेरी बेटियों को घर में घुस के उन लड़कों ने मारा है। मेरी बड़ी वाली बेटी ने मना किया उनको कि क्यों गाली गलौज कर रहे हो, ड्रिंक किए हुए थे, गाली गलौज कर रहे थे, इसने मना किया तो सीधे अंदर घुसे, गेट खोल के और पेट में लात मार दी बड़ी वाली बेटी को, छोटी वाली को धक्का मारा तो उसका हाथ कट गया और पैर में चोट आई उसके। मना करने के बाद भी घर में घुस के वो अभद्रता ही करते रहे पूरा, और गढ़ा टीआई ने पूरा केस दबा दिया। भाजपा नेताओं की शिकायत पर डीआईजी ने मामले की जांच की बात कहकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। अब देखना यह होगा कि खाकी वर्दी के महकमे पर सत्ता नशीन पार्टियों के नेताओं की शिकायत का भी कोई असर होता है या नहीं। ऋतु बसंत के आगमन का संकेत प्रकृति दे रही है, तो वहीं बसंत के पहले पर्व माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी भगवती सरस्वती की पूजन अर्चन का क्रम सुबह से जारी रहा। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर गलगला में भी विशेष आयोजन हुए। एक फरवरी माँ सरस्वती का प्रागट्य उत्सव मनाया जा रहा है। उनका जन्म दिवस माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रतिवर्ष यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर भैया बहन साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ देते रहते हैं, इसलिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार की गतिविधियों में भैया बहन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसी तरह MLB स्कूल में भी विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना में बच्चे तल्लीन दिखे। सरस्वती पूजा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। लक्ष्मीबाई विद्यालय के समस्त बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। बसंत पंचमी के आज के इस पर्व में बच्चों ने पूरे उत्साह पूर्वक भाग लिया है। बच्चे अपने घर से, जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रसाद बच्चे लाए हैं, माला बच्चों ने इनको अर्पित किया है माता जी को, और आज के इस अवसर पर बच्चे बड़े उत्साहित होकर स्वर की देवी का वंदना अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हैं और इन बच्चों को बताया गया है कि पूजन अर्चन के इस क्रम में आपका जो कर्म है वो पहले किया जाना जरूरी है, तो सबने पहले अपने अच्छे कर्मों के लिए और गलतियों को क्षमा मांगते हुए आज बसंत पंचमी का पर्व बहुत उत्साहपूर्वक मनाया है। परंपरा अनुसार बंगलामुखी मंदिर में भी सरस्वती पूजा का विशेष आयोजन किया गया। अभिषेक पूजन के साथ सरस्वती माँ का पूजन हुआ, फिर मंत्रोच्चार और अनुष्ठान का सिलसिला दिन भर चलता रहा।
गुप्त नवरात्रि के पंचमी को हम सभी लोग बसंत पंचमी के रूप में मानते हैं। आज से बसंत ऋतु का आगमन और भगवती महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती जो महादेवी की पूजा होती है उसमें महासरस्वती का विशेष पूजन किया जाता है। आज से लेकर पंचमी से लेकर के सप्तमी तक भगवती सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। भगवती बुद्धि प्रेरक है, बुद्धि को देने वाली है एवं विद्या प्रदान करने वाली है। हमारी मति को, हमारी बुद्धि को ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। ऐसी माँ वीणावादिनी भगवती की आज विशेष पूजन की जाती है। इसके अलावा नर्मदा तटों पर भी पुण्य स्नान हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से लगी रही। आश्चर्य की बात यह रही कि विद्या की देवी सरस्वती के पूजन अर्चन के पर्व बसंत पंचमी का इस बार संभवतः पहली बार स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर में भी कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। लिहाजा कई स्कूल बसंत पंचमी से अनभिज्ञ भी रहे तो कुछ स्कूलों में इस पर्व की औपचारिकताएं भी निभाई गई। मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना तीसरा आम बजट पेश कर दिया है। खास बात ये रही कि इतिहास में पहली बार रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया। हमारे आम जो जनता है, व्यापारी वर्ग और एक जो अभिजात वर्ग है उसको छोड़ दिया जाए तो देश की जनता आज भी बजट उनके लिए एक तिलिस्म के जैसा है। हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचे हैं जहां अर्थशास्त्रियों के बीच हम ये सवाल रखेंगे और जनता तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि बजट क्या है, उसमें क्या खास बातें हैं सरल से सरलतम तरीकों में। हमारे साथ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के HOD अर्थशास्त्र विभाग शैलेश कुमार चौबे जी मौजूद हैं, GS कॉलेज के आशीष कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं और मैनेजमेंट विभाग के डॉक्टर आशीष शर्मा मौजूद हैं। हम एक एक करके उनके बीच पहुँचेंगे। सबसे पहले विभाग प्रमुख चौबे जी के पास पहुँचते हैं। चौबे जी, अरुण जेटली के पिटारे से क्या खास निकला है देश की जनता के लिए? सर्वाधिक खास अगर कुछ कहा जा सकता है तो है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अवधारणा को पूरा करने के लिए वर्तमान बजट में समय के साथ चलने का प्रयास किया है, क्योंकि पहले आम लोगों को विमुद्रीकरण के द्वारा उनके बड़े मूल्य के जो नोट प्रचलन में थे उनको बंद करने के साथ साथ बैंक से मुद्रा की निकासी की सीमाएं बनाई गई, आम लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई। उस तकलीफ के बाद जो परिणाम सामने आया कि भविष्य में काला धन उत्पन्न ना हो उसके लिए आवश्यक था कि हम कैशलेस ट्रांजेक्शन पर जाते हैं, तो जहां सरकार ने आम लोगों को कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित किया वहां उनकी सुविधाओं को पूरा ध्यान रखा इस बजट में कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बिना भी आधार कार्ड के आधार पर भी कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सकता है। दूसरी बड़ी बात, बार बार उतार चढ़ाव होते हैं ब्याज में और उन लोगों के लिए विशेष तौर से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको प्राप्त होने वाली आय में परिवर्तन होगा अगर बार बार ब्याज की दरों में परिवर्तन होता है तो। इससे उन्हें मुक्त रखा गया और लगातार 10 वर्षों तक के लिए सुनिश्चित कर दिया गया कि उन्हें 8% ब्याज मिलेगा। इससे उन्हें भविष्य की योजनाएं बनाने में भी सुविधा होगी और वो निश्चिंत रह सकते हैं कि 10 सालों तक उनको मिलने वाली आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए वहां तक वह डिजिटल मोड उपलब्ध कराया जा रहा है, उन्हें उनके यहाँ हॉटस्पॉट बनाए जा रहे हैं ताकि गांव में रहने वाले लोग भी डिजिटलाइज्ड कर सकें, उनकी अर्थव्यवस्था भी डिजिटल में परिवर्तित हो सके और उनके लिए यह सब साधन इस बजट के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें प्राथमिक यही है कि 100% गांवों में बिजली पहुंचेगी। ये पहला लक्ष्य है, क्योंकि हमारे लिए नया कुछ करने में जो बाधाएं होती हैं उन सारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। इसके बाद युवाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि उन्हें नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करने का, उसे सीखने का, उसके आधार पर नौकरी या व्यवसाय करने का मौका मिलना चाहिए। उसके लिए भी बिल्कुल स्मूथ कार्य ये किया गया है
कि एक बड़ा बोर्ड जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी बोर्ड कहते थे, उस बोर्ड का काम ही खत्म कर दिया है। अब उसे ऑनलाइन कर दिया है, पूरी तरह ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यह बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी पूरी तरह नहीं होता। उस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में ये बहुत अच्छे परिणाम सामने लाएगा। नोटबंदी के बाद काले धन पे एक बार और शिकंजा कसा है। राजनीतिक दलों को कैश में केवल 2000 रुपए तक का चंदा लेने की बात कही गई है। मनरेगा की बात की जाए, सबसे ज्यादा अभी तक के इतिहास में पैसा दिया गया है। रेल दुर्घटनाओं को देखा जाए तो उनको लेके रेल सुरक्षा पर 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च बताया है। खर्च तो ठीक है, जनता ये जानना चाहती है सरकार कमाएगी कहाँ से। निश्चित रूप से आपने जैसा कहा, रेल संरक्षा पर 1,00,000 करोड़ जो निर्धारित किए हैं, यह 5 वर्षों के लिए है। इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा कि इस 1,00,000 करोड़ में से 20,00,000 करोड़ 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होंगे। 20,000 है ना, ये मात्रा कम है, क्योंकि 1,00,000 में दिखाया जाता है तो हमें लगता बहुत बड़ी राशि है, परंतु प्रत्येक वर्ष के आवंटन को देखा जाए तो उसका 5वां भाग ही है। इसलिए सरकार की जो राजस्व में प्राप्ति हो रही है, वह प्राप्ति निश्चित रूप से बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी बताया है कि जो कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें भी वृद्धि हुई है, और साथ ही साथ उसके द्वारा प्राप्त होने वाले करों में भी वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि अभी तक बिना अकाउंट का जो कुछ होता था, व्यापार होता था, विनिमय होता था, उसको कहीं सरकार की नजरों में नहीं आता था, पर कैशलेस हो जाने से, डिजिटलाइज्ड हो जाने से वह सारा सरकार की नजर में रहेगा और उससे भविष्य में आय की गति तेजी से बढ़ेगी, तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा, इसलिए वो ये सारे व्यय आसानी से पूरे कर सकते हैं। हम चलते हैं जीएस कॉलेज के डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा जी के पास। कहा जा रहा था कि जो नोटबंदी हुई उसके बाद और खासकर जो राज्यों के चुनाव है उसको देखते हुए लोक लुभावन बजट पेश किया जाएगा, टैक्स पेयर्स को काफ़ी अच्छी राहत दी गई है, लेकिन इससे जो वित्त मंत्री ने खुद कहा कि 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी होगा जिसको सरकार वहन करेगी, तो इस पर आपकी क्या राय है, कितना लोक लुभावन बजट था? समाज का और अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बजट से लाभान्वित होने जा रहा है। जो सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है, इसमें ऐसे करदाता होते हैं जिनके कर दायित्व और कर राशि बहुत कम मात्रा में सरकार को प्राप्त होती है, लेकिन सरकार को पूरी इसकी जो रिटर्न फाइल की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो पूरी करनी पड़ती है। सरकार ने इस बजट में ये प्रावधान इस सीमा को बढ़ाकर बहुत सारे अधिक लोगों को, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को राहत दी है कि 5 लाख रुपए तक वह इस कर दायित्व से मुक्त रहेंगे। सरकार का जैसे आपका प्रश्न है कि अब इतने सारे लोगों को हमने इससे मुक्त दी है, तो फिर दूसरे पक्ष में वो राशि प्राप्त कहां से होगी? तो इसका सीधा इस बजट, यह बजट विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद अपने असर को स्पष्ट दिखा रहा है कि सरकार के खजाने में वो बहुत बड़ी धनराशि आने वाली है। और आपने और हमने सबने देखा है कि निर्णय के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष करों में करीब 47% की कर राजस्व वसूली में वृद्धि हुई थी। ये वो आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि बहुत सा पैसा अर्थव्यवस्था में है लेकिन सरकार के आंकड़ों में नहीं है। और सरकार को ये प्रतीत भी हुआ कि हमको कर राजस्व में वृद्धि हुई है। CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ने अपनी विधिवत सूचना में भी ये जानकारी दी कि उस निर्णय के बाद 1 महीने के अंदर करोड़ों रुपए के राजस्व की वसूली हुई। यही अंदेशा और इसका अनुमान लगाकर सरकार ने इस छूट को 5 लाख रुपए तक किया। और इस बहुत बड़ी राशि की भरपाई के लिए जो डिजिटल और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बेस पे जब आंकड़े आएंगे, व्यवहार आएंगे, सौदे आएंगे, सरकार की नजरों में रहेंगे, तो वो राशि निश्चित ही सरकार के खजाने में आना चालू हो चुकी है। उसका अनुमान उन्होंने 2 महीने के इस तारतम्य में लगा लिया। और वर्ष भर में कितना आएगा, 31 मार्च को ये वर्ष समाप्त हो रहा है, उसके बीच में आप खुद देखेंगे कि इनकम टैक्स फाइल करने वालों की संख्या करोड़ों में होगी और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कारण से सरकार के पास राजस्व की प्राप्ति के लिए पर्याप्त राशि एक अनुमानित है, और उसी को देखते हुए उन्होंने ये प्रावधान किए हैं कि 5 लाख रुपए तक की छूट दी जाए।
मैं यहाँ पे एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जैसा आप कह रहे थे कि बजट क्या होता है, तो हम लोग, मैं वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ, बजट बिल्कुल सरल शब्दों में दो भाग में विभाजित रहता है। एक भाग में सरकार ये बताती है कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, और दूसरे भाग में बताती है कि वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। कहाँ कहाँ खर्च करेंगे यह सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं के आधार पर तय होता है। जो वर्ग जितना, जो क्षेत्र जितना कमजोर होता है, उस क्षेत्र में उतनी अधिक राशि आवंटित की जाती है, और जो ज्यादा सबल रहता है उसमें कम की जाती है। इसका ठीक उल्टा, जो ज्यादा सक्षम होता है देने के लिए उससे ज्यादा लिया जाता है, और जो कमजोर होता है उसको छूट दी जाती है, और वही प्रयास इस बजट में किया गया है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगाएगा, ये बिल्कुल तय है कि ये लोक लुभावन बजट है और राज्यों के चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा बजट पेश किया है। सरकार अपनी तरफ से ये दावा करेगी कि ये विकास परक बजट है। एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप इस रेशियो को कितना मानते हैं, कितने परसेंट ये लोक लुभावन बजट है, कितने परसेंट ये विकास परक बजट है, मोटा मोटी एक हिसाब? आप और हम सभी जानते हैं कि जब तारीखें चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर दी गई हैं, तो उसके बाद जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो कोई भी ऐसे प्रावधान बजट में चुनाव को देखते हुए अपनी घोषणा नहीं कर सकते हैं। यह बजट विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद जो परिणाम त्वरित रूप में और दूरगामी रूप में अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होंगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और ऐसा बहुत बड़ा कोई आकर्षण नहीं है जिसका प्रभाव उनको चुनावी रूप में मिल सके और स्थायित्व में मिले। इसलिए उन्होंने विमुद्रीकरण के कारण ही बहुत से निर्णय लिए हैं, और जोर अर्थव्यवस्था पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रौद्योगिकी को विकास देने वाला है, जो कि लॉन्ग टर्म का है, इसमें स्थायित्व है और अल्पकालिक नहीं है। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है, लोकसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गई है। ये इतना समय विपक्ष को इसलिए दिया गया है कि वो बजट को अच्छी तरह भली भांति पढ़ें और सरकार पर इसकी जो कमियां हैं इसे उजागर करें, इस पर चर्चा करें। आमतौर पर यही देखा गया है, सरकार यही आरोप लगाती है कि विपक्ष एकदम कमजोर है, वो बेफिजूल की बातों को लेकर हंगामा करती है। हम अपने शहर के अर्थशास्त्रियों से ये जानना चाहेंगे कि वो इस बात पर प्रकाश डालें, बजट की अच्छी बातों पर तो प्रकाश डाल दिया, ऐसी कमियां भी बताएं ताकि विपक्ष थोड़ा मजबूत हो सके और इस बार कम से कम लोकसभा में ढंग से चर्चा हो सके। हम चलते हैं डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा के पास, उनसे ये जानना चाहेंगे कि इस बजट में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, इसी तरह का कोई भी बजट भी संपूर्ण नहीं होता। इस बजट में ऐसी क्या कमियां हैं जिसको लेकर विपक्ष एक सार्थक चर्चा कर सकती है, सरकार से लड़ सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो भी प्रोविजंस किए जाते हैं वो अंतिम नहीं होते, और वो एक तात्कालिक लक्ष्यों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो उस पर तो हमेशा बहस हो सकती है कि अगर हमने किसी योजना में या किसी आने वाली विभाग में आवंटन किया है तो वो कम है या ज्यादा है, उस पर तो हमेशा बहस की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक दशा से उबरने का उन्होंने एक रोड मैप दिया है। जो डिमोनेटाइजेशन के कारण एक जो स्थितियों पे प्रभाव पड़ा था, उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक पूरा रोड मैप दिया है कि हम कैसे कैशलेस होते हुए अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बड़ी इंडस्ट्रीज की अपेक्षा जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिससे कम से कम 96% एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट होता है, उसको उन्होंने टैक्स की छूट दी है, उस पर सिर्फ 25% टैक्स रहेगा। और जो स्टार्टअप है उस पर भी उन्होंने एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उन्होंने उसको सौगात दी है कि वो 2 साल तक कोई भी उसको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन और जो ऑपरेटिंग ईयर्स हैं वो 5 साल की बजाय 7 साल काउंट किए जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप का जो भी उन्होंने पुशअप किया है, ये रोजगार को ही प्रभावित कर रहे हैं, और ये इस समय सबसे बड़ी जरूरत है हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे यूथ के लिए।
क्योंकि हमारा जो चाइना के साथ जो कंपटीशन है उसमें हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में हमारे यहाँ जो ट्रेंड और जो पढ़े लिखे युवा हैं वो हमारी सबसे बड़ी एसेट है, तो उनको रोजगार मिलना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिया है। अब बात आप जो कह रहे हैं, एक और जो बात है कृषि पर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया जा सकता था। कृषि दर जो एक 1.2% हो गई है लास्ट अभी कल के इकोनॉमिक सर्वे में, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ और प्रोविजंस हो सकता हो जब बजट रिवाइज हो या उस पर डिस्कशन के बाद कुछ और पॉइंट्स आए, तो हो सकता हो कि मंत्री जी उसमें कुछ और नए कुछ घोषणाएं करें, क्योंकि हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसको बूस्टअप करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पर हमारा जो कंपटीशन हो रहा है उसमें हमारे किसान को उन मार्केट बेनिफिट्स की आवश्यकता है जो हमारी इंडस्ट्रीज को मिल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले बजट में जब डिस्कशंस होंगे, सुझाव आएंगे और भी रिप्रेजेंटेशंस आएंगे, तो वो रास्ता खुल सकता है। अभी तो ये बजट प्रस्तुत हुआ है, अभी इस पर डिस्कशन होगा, बहस होगी, कई सुझाव आएंगे, कई रिप्रेजेंटेशन आएंगे, इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। विपक्ष इस बात पर हल्ला कर सकता है कि महिलाओं और बुजुर्गों को जो आधा परसेंट ज्यादा छूट मिलती थी 50,000 की, इस बार सब समाज साम्यवाद ला दिया है, एक समान कर दिया है, इस पर कहेंगे क्या कि महिला विरोधी है, बुजुर्ग विरोधी है सरकार? नहीं, नहीं, इसमें तो बल्कि आधार में उन्होंने कुछ छूट भी दी है बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को, और उसमें जो पहले की स्कीम्स है उसको कोई समाप्त नहीं किया है। अगर आप कह रहे हैं कि नई कोई स्कीम की घोषणा नहीं की, तो पुरानी किसी स्कीम को समाप्त भी नहीं किया, तो उनके लिए पहले भी स्कीम है, महिला स्वरोजगारियों के लिए पहले से स्कीम्स हैं, टैक्स में कुछ छूट है, और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है उसको उन्होंने पहले ही दूर कर दिया है। और अभी इसमें आप जैसा बता रहे हैं तो ये सुझाव आगे आएंगे, तो उन सुझावों को आगे बजट में शामिल किया जा सकता है। ये तो एक सामान्य प्रोसेस है कि चर्चा के बाद बजट में अमेंडमेंट्स भी आते हैं, तो हो सकता है कि उसको उसमें शामिल कर लिया जाए। तो ये थे हमारे शहर के अर्थशास्त्री, जिनका कहना है कि बजट में अभी कई चर्चा होनी है और संशोधन की भी गुंजाइश है, लेकिन कुल मिला के लब्बुलुभाव यही है कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है नोटबंदी के बाद और नोटबंदी के बाद, ये जो सरकार के कदम है पूरी तरह से विकास परक है। सेल नेटवर्क के लिए कैमरामैन मनीष के साथ चंद्रेश शर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सेल डिजिटल भारत न्यूज़।